नमस्कार दोस्तों, कल ही कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय लॉन बॉल टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस उपलब्धि के बाद एकदम से इस खेल की लोकप्रियता बढ़ गई। भारत में कम ही लोग होंगे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा या सुना होगा। इस खेल के नियम कायदे जानने वालों की संख्या तो और भी कम हो सकती है, और फिर इसे खेलने वाले तो निश्चित तौर पर बहुत कम हैं। शायद ही आपने अपने आसपास किसी को लॉन बॉल्स खेलते हुए देखा हो। बहरहाल, हम आज इस खेल की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये खेल भारत में अनजान नहीं रहने वाला। संभव है कि भारत में जल्द ही इस खेल को जानने, समझने और खेलने वालों की तादाद भी बढ़ जाए। दोस्तों, सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये खेल होता क्या है और खेला कैसे जाता है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सरल भाषा में इस खेल से संबंधित हर एक छोटी बड़ी बातें। दोस्तों, आपने बॉलिंग एक खेल जरूर देखा होगा या खेला होगा जिसमें एक बॉल से टारगेट को हिट किया जाता है। उसी तरह का कुछ ये खेल है, लेकिन थोड़ा अलग है। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की इस खेल के इतिहास के साथ। ऐसा माना जाता है इस खेल की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसे सबसे पहले इंग्लैंड में खेले जाने के प्रमाण मिलते हैं। 18वीं शताब्दी में इस खेल से जुड़े नियम बने और हर दशक के साथ इसमें बदलाव आते गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले संस्करण से लेकर अब तक यह लगातार शामिल किया जाता रहा है। केवल 1966 में इस खेल को शामिल नहीं किया गया, जहां ओलंपिक में भी इस खेल को आज तक शामिल नहीं किया गया है। भारत में भी यह खेल कई दशकों से खेला जाता रहा है, लेकिन 2010 से इस खेल को ज़्यादा तवज्जो मिलने लगी है। दोस्तों, अगर इस खेल के मेन ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो यहाँ एक बड़ी बॉल को उस मैनर में रोल किया जाता है जिससे कि वो दूसरी छोटी बॉल के करीब प्लेस हो सके, और वही छोटी बॉल जिसे जैक या किटी कहते हैं उसे टारगेट बनाया जाता है। अगर टीम गेम की बात करें तो 18 बार इस बॉल को अलग अलग एंड से सर्कुलर पैटर्न में रोल किया जाता है। दोस्तों, अगर इस खेल के इक्विपमेंट्स के बारे में जानें तो यहाँ बॉल्स, फुटमैट और जैक की आवश्यकता होती है। बॉल से गेम को स्टार्ट किया जाता है जो कि स्फेरिकल शेप की होती है। बॉल्स कई वेराइटी ऑफ साइजेज में उपलब्ध होती हैं और अलग अलग रंग की भी हो सकती हैं। जनरली बॉल का साइज 1.5 kg यानी कि 1.5 kg होता है, जिसका भार एक तरफा होता है जिससे कि वो आसानी से कर्व पाथ में भी रोल कर पाए। यानी कि यही चैलेंज इस खेल की सबसे खास बात होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस खेल को खेलने के सरफेस की बारे में तो ये एक आउटडोर खेल होता है जिसमें कि घास के मैदान पर इस खेल को खेला जाता है। इस खेल को खेलने के लिए रिक्वायर्ड लॉन या रिंग की लेंथ 31 से 40 मीटर और चौड़ाई 4.3 से 5.8 मीटर होती है। ये खेल सिंगल्स, पेयर्ड या 3 और 4 लोगों के साथ भी खेला जाता है। तो इस खेल में खिलाड़ियों को बारी बारी से एक निश्चित दूरी से अपनी गेंद को उस बॉल के पास पहुंचाने की कोशिश करनी होती है जिस गेंद पर निशाना लगाया जाता है, जिसे जैक कहते हैं। खिलाड़ियों के बीच की दूरी को मैच शुरू होने के बाद तय किया जाता है। ये दूरी जैक को फेंकने से तय होती है, जिसे फेंकने वाली टीम का चयन टॉस से होता है। टॉस हारने वाली टीम जैक को फेंकती है और फिर किस दूरी से गेंद फेंकनी है उसका पता चलता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि जैक को रिंग के सेंटर की तरफ कम से कम 23 मीटर ट्रेवल किया होना चाहिए। अब बात करते हैं इस खेल में खिलाड़ियों को किस तरह से पॉइंट्स मिलते हैं। सिंगल्स प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ भाग लेने वाले खिलाड़ियों को शुरुआत में 4 मौके मिलते हैं, जबकि टीम इवेंट में हर एक मेंबर को प्रति छोर यानी कि एक साइड से 2-2 मौके दिए जाते हैं। जो भी खिलाड़ी बॉल को जैक के सबसे करीब फेंकता है उसे बारी के अंत में अंक दे दिया जाता है। एक खिलाड़ी की टीम से जितने खिलाड़ी जैक के करीब होते हैं उसे उतने ही अंक मिलते हैं। तो अगर टीम ए ने टीम बी के मुकाबले 2 बार ज़्यादा जैक के करीब अपनी बॉल को फेंका है तो टीम ए को 2 अंक मिल जाते हैं। इसी तरह से मैच के लास्ट में सभी पॉइंट्स को जोड़ा जाता है और जिस टीम के पास ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंगल्स के पैटर्न में अगर देखें तो जो खिलाड़ी सबसे पहले 21 अंक तक पहुंचता है उसे विजेता घोषित कर देते हैं, और जबकि टीम इवेंट की बात करें तो ये संख्या 18 होती है जहाँ पर जाके किसी टीम को विजेता घोषित किया जाता है। दोस्तों, ये था लॉन बॉल के बारे में कि इसके रूल किस तरह से हैं और किस तरह से इस खेल को खेला जाता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि इस खेल का इतिहास क्या है और साथ ही साथ इस खेल को किन इक्विपमेंट्स के द्वारा खेला जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस खेल के बारे में छोटी बड़ी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपकी और कोई क्वेरी इस खेल से संबंधित हो या किसी तरह का सजेशन आपको लॉन बॉल के बारे में हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।